हाईलाइट करो विद द नेक्स्ट वन देयर इज अ किलन फिल्टर्स किलन फिल्टर्स सिंड्रोम और दिस किलन फिल्टर्स सिंड्रोम तो मैंने आपको बताया किलन फिल्टर सिंड्रोम डिस्कवर्ड बाय द किलन फिल्टर तभी तो इसको क्या बोलते हैं किलन फिल्टर सिंड्रोम और ये भी क्या है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है ये इन विच इंडिविजुअल हैव in which individual have 2n plus 1 condition and chromosomes are 47 in number chromosomes kya honge 47 in number aur ye kiski wajah se hui mainly non dejectioning of sex chromosome in female maine to dikhaya tha aap logo detail mein wo usme non dejection hogi ek max sex chala gaya dono x chale gaye एक गैमेट में और एक एग में जो है जीरो एक्स था तो सेक्स क्रोमोसोम एज सच एक गैमेट के अंदर चला गया जैसे मैं कंडीशन बता रहा हूं कि हमारे पास समझ लो ये फीमेल वाला हमारे पास 44 प्लस एक्स था अब इसमें होगी गैमेटोजेनेसिस जिसको हम ऊजेनेसिस बोलते हैं अगर ये फीमेल वाला जर्म सेल था इसके अंदर क्या हो जाएगी ऊजेनेसिस तो हमारे पास आ जाता है सी एक गैमेट जो हमारे पास ऐसा आने के चांसेस है कि जब नॉन डिजेक्शनिंग होगी किसकी नॉन डिजेक्शनिंग ऑफ सेक्स क्रोमोसोम दैट इज एक्सएक्स अगर इसकी नॉन डिजेक्शनिंग होगी तो हमारे पास आ सकता है 22 प्लस एक्सएक्स और दूसरे गैमेट के आने के चांसेस है दैट इज 22 प्लस 0 ठीक है ना फिर मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास मेल स्पर्म है क्या है मेल स्पर्म उसके अंदर 22 प्लस वाई है ये बताया था ना मैंने और अगर ये आपस में फ्यूज हो गए इफ दे गेट फ्यूज टू ईच अदर अगर ये दो गैमेट्स क्या हो गए आपस में फ्यूज हो गए एंड दे विल रिजल्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ ए जायगोट अब जायगोट के अंदर जो कंडीशन होगी दैट विल बी 44 प्लस एक्स एक्स वाई तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए द डिजीज वी कॉल एज ए किलन फिल्टर सिंड्रोम इसी को क्या बोलते हैं बेटा किलन फिल्टर सिंड्रोम चीज आप याद रखोगे ठीक है ना हम ये लिख सकते हैं यहां पे द इंडिविजुअल इन किलन फिल्टर सिंड्रोम हैव 44 प्लस एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम्स which means they have additional x chromosome in 23rd pair isn't it additional that is why the chromosome number becomes 47 तभी तो क्रोमोसोम नंबर इनका क्या हो जाता है 47 हो जाता है किलन फिल्टर्स अब ये क्या होगा ये होगा स्टेराइल मेल याद रखोगे दिस इंडिविजुअल इज ए स्टेराइल मेल दिस इंडिविजुअल इज ए स्टेराइल मेल ये इंडिविजुअल जो होगा क्या होगा बेटा स्टेराइल मेल होगा याद आप रखना ठीक है ना आगे चलते फिर इसके हम देख रहे हैं इसके सिम्टम्स क्या होंगे पहला पॉइंट आप याद रखो इसका टॉल स्टीचर होगा ये लंबा बहुत होगा अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करेंगे सिम्टम्स की अगर हम बात करेंगे टॉल स्टीचर होगा इसका टॉल स्टीचर इस बंदे का दूसरी चीज अगर हम देखेंगे इसको क्या होंगे अंडर डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अंडर डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स
जैसे क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर इनफर्टाइल टेस्टिस होंगे, इनफर्टाइल टेस्टिस, दैट मींस टेस्टिस विल नॉट प्रोड्यूस द व्हाट व्हाट स्पर्म्स। वन मोर पॉइंट, इसके अंदर क्या होगा, इस बंदे के अंदर, इस बंदे के अंदर होगा व्हाट यू कॉल दिस, नो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट। ये तो मेल है लेकिन इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं हो जाएंगे, नो डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी कैरेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ये डेवलप नहीं हो जाएंगे। और इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, दैट इज कॉल्ड एज गायनोमास्टिया, दैट इज मेल ब्रेस्ट डेवलपमेंट, देयर ऑकर्स अ डेवलपमेंट ऑफ, डेवलपमेंट ऑफ मेल ब्रेस्ट एंड द कंडीशन वी कॉल गायनोमास्टिया, गायनोमास्टिया दैट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ मेल ब्रेस्ट, इसके अंदर देखने को मिलेगा। और तीसरी बात अगर हम देखेंगे इसके अंदर, और एक चीज भी हम देख सकते हैं, इसका आईक्यू जो होगा, आईक्यू जो होगा वो लो होगा, इसका आईक्यू भी क्या होगा, इसका लो आईक्यू, किस बंदे का, जो आपको मिलेगा किसका, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होगा। तो इसमें मतलब मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं डेवलप हो जाएंगे, और इसकी जो अपीयरेंस होगी दैट विल बी फीमेल लाइक मसल डेवलपमेंट होगी इसके अंदर, ये भी लिख सकते हो, इसकी बॉडी जो होगी, बॉडी अपीयरेंस विल बी फीमेल लाइक, बॉडी अपीयरेंस विल बी फीमेल लाइक, और इवन तो इसकी वॉइस भी जो है ना वो फीमेल लाइक हो जाती है, ठीक है ना बेटा, किसके अंदर, जिसके अंदर क्लिनफेल्टर सिंड्रोम हो जाती है, ठीक है ना बेटा। दिस ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।